आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रभा वाजपेयी। यूपी के बांदा से है इस वक्त की बड़ी खबर। जी हां, आपको बता दें कि बांदा जनपद में विभिन्न मामलों को लेकर जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा शालिनी सिंह पटेल के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान रविंद्र कुमार भारती, प्रदेश अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड श्रमिक प्रकोष्ठ, राजेश कुमार अनुरागी, होरीलाल राजवती, अंजना दीर मोहम्मद, राजबली रमेश वर्मा, चूलना भगत आदि लोग शामिल रहे। बांदा जनपद में समस्त तहसीलों, ब्लॉकों और ग्राम पंचायतों में तमाम कमियों को लेकर विकास कार्य के लिए कई मंत्रियों को जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी सिंह पटेल के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, केंद्रीय कृषि कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री श्रम एवं सेवा योजन समन्वय उत्तर प्रदेश शासन, कैबिनेट मंत्री जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास शहरी समग्र विकास नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत कैबिनेट मंत्री, लोक निर्माण मंत्री उत्तर प्रदेश आदि को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया। देखें इस रिपोर्ट में। क्या नाम है और किस तरह का आज ज्ञापन दिया गया? मेरा नाम शालिनी सिंह पटेल है, मैं जनता दल यूनाइटेड से प्रदेश अध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा से। आज हमने बबेरू तहसील से संबंधित, जैसे आपका पतावन, फुफुंदी, भदेदू और उमरी और एक भदेदू का पूर्वा अंश जो है मवाई पूर्वा, हमने और भी जो है संबंधित यहाँ मैंने पूरे जिले में हर ग्राम पंचायत में घोटाला ही घोटाला नजर आ रहा है। ये जो अधिकारी जो कागज में दिखा रहे हैं कि हमने 75 करोड़ आवास बांट दिया, 70 करोड़ शौचालय बनवा दिया, हर घर में जल भेज दिया, सारा इनका दावा झूठा है। सब ये झूठ बोले फर्जी है इनके आंकड़े। हकीकत अगर देखना है जिस अधिकारी को, जिस मीडिया भाई के बंधु को हमारे साथ चले, गांव-गांव में खुद देख लेगा। सिर्फ ये जो सरकार चली, हिंदू मुस्लिम की सरकार चली, नफरत की सरकार चल रही है, विकास की बात नहीं करते हैं। इनको बस हिंदू धर्म की रक्षा करना हमको सिखाते हैं, तो भैया हम रक्षा पहले से कर रहे हैं, हम कर लेंगे, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। मैं निवेदन करना चाहती हूँ मुख्यमंत्री महोदय से कि जो हमने ज्ञापन दिया, पतवन ग्राम पंचायत में आप देखिए कि पानी कितनी समस्या है कि 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और अगर पानी मिलता है तो यानी घुटनों के ऊपर से कीचड़ गंदगा गंदी पानी जो है निकल के पानी लाना पड़ता है। यही फुफुंदी में शौचालय की संख्या मात्र 10-15% है पूरे जिले में, हर ग्राम पंचायत में आवास का यही हाल है। जिनका, जिन गरीबों को सूची में नाम है उनका आवास काट दिया जाता है, जिनके 2 खंड की बिल्डिंगें बनी है उनको आवास मिल जाता है। यही हाल राशन कार्ड में है इनको बेचारे। ये लोग आते हैं बबेरू तहसील, लेकिन तहसील से जो संबंधित अधिकारी है राशन कार्ड पूर्ति विभाग का, वो नहीं, बिल्कुल नहीं सुनता है। श्रम विभाग की फाइलें धूल फेंक रही है, श्रम विभाग पूरी तरह से दलालों का अड्डा बन चुका है। पुलिस विभाग में भी यही हाल, बिना जाँच किए जिधर से जो है नोट आ गया उधर मुकदमा लिख जाएगा, लेकिन निष्पक्ष कभी न्याय नहीं मिला। इसी से संबंधित आज हमने बबेरू SDM को और संबंधित विभाग के मंत्रियों को संबोधित ज्ञापन दिया है, मांग किया कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हमारा इससे भी बड़ा आंदोलन आक्रामक रूप लेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी बांदा जिला प्रशासन, बबेरू जिला, बबेरू तहसील प्रशासन की। किस तरह का आश्वासन मिला है आपको? उन्होंने बोला, श्रम विभाग ने भी बोला, अधिकारी जो थे, कि हम 1 हफ्ते में भुगतान कर देंगे और हम कल फुफुंदी भी जाएंगे। विद्यालय की हालत तो पता ही है सबको कि क्या पढ़ाया जाता है विद्यालय में। जैसे CEO साहब कहते हैं कि आपका अधिकार नहीं है, तो क्यों नहीं हमारा अधिकार है? बिल्कुल हमारा अधिकार है, हम जाएंगे, हम चेक करेंगे कि क्या विद्यालय में हो रहा है, हमारा अधिकार है। क्या विद्यालय के जो टीचर है, क्या उनको वेतन हमारे टैक्स के पैसे नहीं मिल रहा है क्या, ये बताने का कष्ट करें। CEO महोदय से मैं निवेदन करूँ, अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होगी तो अन्यथा की स्थिति में क्या करेंगे? ये आंदोलन बड़ा ही आक्रामक रूप लेगा, और ये तहसील प्रशासन, तहसील को हम लोग छावनी बना देंगे बबेरू तहसील को, क्योंकि हम डरने वाले नहीं हैं। हम फिर बताना चाहते हैं कि हम बुंदेलखंड बांदा की धरती से हैं, हमारे यहाँ के वीरों ने देश की आज़ादी में कुर्बानियाँ दिया है, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिला प्रशासन और भाजपा सरकार के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है हम। वॉचिंग दिस वीडियो, टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।